मेरा नाम सिमरन आहूजा है और माता रानी की कृपा से मैंने 18 टाइटल जीते हैं रास गरबा नवरात्रि में। 2000 से लेकर लगातार मैंने 18 साल खेला और 18 साल ही जीते हैं, अगेन बाय द ग्रेस ऑफ द गॉडेस। तो इस साल जब नवरात्रि हमें पता था कि वर्चुअल होगी, जो भी होगा वर्चुअल होगा, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसकी स्टोरी बनाई जाए। और हमेशा मैं जब भी सोचती थी, मैं बड़ी फ़ैन हूँ जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं ब्रह्मानंद सिंह जी, जब मैंने इनकी और तन्वी जैन की फिल्म देखी थी कागज़ की कश्ती, तो मैं इतना प्यार में हो गई हमारे डायरेक्टर से कि मैंने कहा था जब कभी कुछ भी होगा तो इट इज़ ओनली एक ही नाम होगा और उनका नाम ही काफ़ी है, ब्रह्मानंद सिंह। तो हम सब ब्रह्मा के ही बच्चे हैं और ब्रह्मा के ही बूंदे हैं। और ऑफ़ कोर्स तन्वी सिंह से भी मेरी मुलाकात काफ़ी टाइम से है, 3 साल से है, और दोनों साथ में काम करते हैं और जो मैजिक होता है एक फिल्म को वो क्रिएट करते हैं। आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रोड्यूसर की। तो मैं शोज़ कर रही थी वर्चुअली, मैंने 600 शोज़ किए हैं घर बैठे बैठे, हर रोज़ लगभग ऑन एन एवरेज 6 शोज़ मेरे होते हैं। तो एक हमारे प्रोड्यूसर हैं अजीत खैरपुरी जी, जो हांगकांग से हैं, तो उन्होंने कहा कि सिमरन आपकी जर्नी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे शोरील चलते हैं शुरू में। तो मैंने कहा हाँ सर, नवरात्रि मेरे दिल के बहुत करीब है और इस तरह से ये आइडिया आया कि क्यों ना आपकी नवरात्रि दिखाई जाए। तो मैंने कहा सर, अगर एक ही जो मेरे दिमाग में आते हैं, मेरे जहन में आते हैं, हमारे नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं, जो ये दोनों का जब इन दोनों का मिलन होता है, दोनों साथ में हैं, ब्रह्मानंद सिंह जी ऑफ़ कोर्स और तन्वी सिंह जी, तो वो तन्वी जैन तो मैंने तन्वी जैन ही कहा ना, तन्वी जी कहा, ओके तन्वी जैन जी, तो बहुत ही खूबसूरत जो एंटायर विजुअल्स होते हैं एक ट्रीट हो जाते हैं। तो ट्रूली थैंकफुल टू यू अजीत खैरपुरी जी, आप हांगकॉन्ग में आप हमें देख रहे हैं, सिर्फ आपकी फेथ की वजह से ये हुआ है। और फिर फिल्म के दौरान हम इतना खो गए फिल्म में कि हमने सोचा कि एक गाना क्यों ना हो फिल्म में, तो इसलिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग भी है जो चेतन गर्वी जी का है। और जिस तरीके से इन्होंने पूरा नरेशन किया है, बहुत ही खूबसूरत है। और फिल्म के बारे में ऑफकोर्स मैं कहना चाहूँगी, आर हम्बल थैंक्स टू शेमारू जो इनकी वजह से डेफिनेटली पॉसिबल हुए हैं, और हमारे रेडियो पार्टनर्स हैं फीवर FM, ब्राइट आउटडोर मीडिया हमसे जुड़े हैं, एंड ऑफ कोर्स मेरे मेकअप थ्रू आउट द फिल्म रायो जी मेरे साथ हैं, एंड ट्रूली एन ऑनर कि हम सब एक साथ छोटी सी फैमिली बनाकर ये छोटी सी पेशकश कर रहे हैं। हमारी पेशकश छोटी है लेकिन है वो माता रानी, तो इसलिए द डांस ऑफ द गॉडेस हो गया है, जो मुझे कैप्शन द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2014 के बॉम्बे टाइम्स के न्यूज़पेपर में कैप्शन था, बॉम्बे टाइम्स में द टाइम्स ऑफ इंडिया में, डांस लाइक अ गॉडेस। और जब मैंने वो कैप्शन पढ़ा तो मुझे तभी गूज बम्स आ गए, और तब से मैं हमेशा सोचती हूँ कि दिस इज़ आफ्टर ऑल द डांस ऑफ अ गॉडेस, जो पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए क्योंकि दिस इज़ डांस ऑफ द यूनिवर्स। और इसी वजह से फिल्म का नाम है डांस लाइक अ गॉडेस, और ये फिल्म गुजराती में भी है जिसका नाम है दीवानी गरबानी, जो हमारे सॉन्ग का भी टाइटल है। अब मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बात वहीं पे भी जैसे सिमरन ने कहा कि हमारी बात हो रही थी, और इस बार हमें ये भी लगा कि गरबा का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो किसी को एक्चुअली में मिल नहीं पा रहा है फिजिकली, जो ऑफलाइन जो एकदम, तो बहुत सारे गरबा फैंस होंगे जो शायद तरस रहे होंगे कि कुछ भी हमें गरबा का देखने को मिले, एक एक्सपीरियंस करने को मिले। और तभी हमें पता चला कि 18 साल से ये टाइटल्स जीतते आ रही हैं, और सिर्फ टाइटल्स जीतने की बात नहीं है बट जिस तरह का सिमरन का एक्सपीरियंस रहा है, तो वो बहुत ही फ्रॉम बैकग्राउंड जहाँ पे ये नाच नहीं सकती थी, और उस तरह से लेकर के कॉलेज में किस तरह से वो खुल गई, और फिर फर्स्ट प्राइज पहली बार उसको मिल गया, और फिर उसके बाद जो जर्नी हुई, इन्होंने
पेरिस में भी जाकर के आईफिल टावर के नीचे में सबको गरबा करवाया हुआ है, तो ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उपलब्धि के अलावा वो जो एक जो इसका जर्नी रहा है वो इतना खूबसूरत था कि हमें लगा कि ये तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। फिर उसके बाद तन्वी और मैं बात करने लगे कि हम कैसे इसको क्या हम कर सकते हैं, और फिर एक एक करके चीज़ें जुड़ती गई। फिर हमने सोचा कि एक गाना इसमें आ जाए, तो फिर गुजराती गाना चेतन रवि जी ने किया, वो भी बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत, एकदम पूरा वाइब्रेंट जोश वाला। इसी तरह की फिल्म को बढ़ावा देती है जिससे लोग इंस्पायर्ड हो जाएं, जो लोगों के जो अंदर की जर्नी है, दिल की बात है, वो जो कहीं पे दबी रहती है उसको हम कैसे बाहर निकालें। तो मोबियस हाई लाइफ का यही पर्पस है। और जब सिमरन की कहानी हमारे सामने आई तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया मैच हो नहीं सकता है। और जो हमारे कैमरामैन थे और जो हमारे एडिटर थे प्रशांत शेखर जी, तो ये सब का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस फिल्म को दिन रात पूरा करके एक कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस वाली फिल्म आप लोगों के सामने लाने के लिए। और जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है फिल्म के ऊपर प्रशांत के साथ तन्वी, वो आपको बताएंगे थोड़ा बहुत कि किस तरह से और किस खुशी के साथ हम लोगों ने काम किया है। रात के 4-4 बजे तक हम बैठे रहते थे, मगर किसी को ये नहीं लगता था कि उसमें जो है कुछ भी हम अलग कर रहे हैं। हमारे साथ टीम के दो और लोग हैं यहाँ पे, जो अमन है, अभिनवानंद सिंह, बहुत अच्छे कैमरामैन भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, और अपने हेमंत जोशी हैं। तो ये सब यहाँ पे हैं, और बहुत खुशी की बात है कि ये सब ने जिस तरह से 3-3 बजे, 4-4 बजे, 5-5 बजे तक, कभी तो ऑफिस में ही 2 घंटा सो जाना होता था फिर लग गए, तो चूँकि एक डेडलाइन था। और फिल्म में सब लड़कियाँ कि इतना उनके पेरेंट्स अलाव करते हैं, तो वो जो स्पिरिट था कि मुझे भी एक्सपीरियंस करना है, जो पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया ईयर 2000 में, मैंने सबसे जो बड़ा टाइटल है इंडिया का क्वीन ऑफ संकल्प, वो मैंने जीता, और मैं ट्रिप टू यूरोप जीती, तभी तो अफोर्ड नहीं कर सकती थी मैं, लेकिन वो जो वहाँ से शुरुआत हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इतने लगन से और इतनी दीवानगी से वो करती थी कि मैं एक सेकंड का ब्रेक नहीं लेती थी। तो मुझे सब लोग कहते थे, अरे ब्रेक ले, अभी जजेस आएंगे, पानी पी, तो मैं तो अकेली जाती थी, तो मैं एक सेकंड भी, मैं कहती थी एक भी अगर ताल मेरा मिस हुआ तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ ये 9 दिन ही मिलते हैं जब मैं जी सकती हूँ, लंबे सांस ले सकती हूँ और आसमान तक छू सकती हूँ। ऐसे लगता है कि बस मैं एकदम परी हूँ एंड यहाँ पर उड़ने आई हूँ। तो वो सेम फीलिंग मुझे जब भी मैं कोई काम करती हूँ वहीं पर आती है, तो इसलिए मुझे हर काम में कामयाबी मिलती है। और ये इतनी खूबसूरती से आपने कनेक्ट किया है कि मुझे भी एहसास हुआ कि इसलिए शायद मैं ऐसी हूँ। और सभी मुझे कहते हैं, आईफा वाले भी कहते हैं, यार सिमरन कैसे इतने घंटे खड़ी रहती है, सब लोग बैठ जाते हैं, बाकी सब लोग थक जाते हैं, तो लेकिन मैं तो बोलती हूँ मैं इंतज़ार कर रही थी इसी का। तो आई थिंक मुझे वो बहुत मज़ा आया। चैलेंज सिर्फ इस बात की थी मुझे कि इन्होंने मुझसे कहा कि पूरा कवरेज ले आ। अब तक मैंने ज़िंदगी में अपनी एक भी सेल्फी नहीं निकाली है, तो वीडियो तो दूर की बात है। ऑफकोर्स अभी शोज़ कर रही हूँ टीवी एशिया चैनल पर, तो जूम पे होते हैं वो टीवी चैनल के जो शोज़ विद बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, लेकिन मैंने कहा अब तक तो मैंने बस एक भी सेल्फी नहीं है। तो वो सिर्फ चैलेंज था कि इकट्ठा करना मटीरियल, मेरे इतने सालों के अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज़ भी इकट्ठी की मैंने उसके पहले, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, ये पहली बार मेरा जो घर इतना ब्यूटीफुल बन गया है आप लोगों की वजह से बन गया है, क्योंकि इन्होंने कहा हमें सारा कवरेज चाहिए। तो वो चैलेंज था मेरे लिए कि मैं सबसे फ़ोन करके सारे ऑर्गेनाइजर्स से मांग रही थी, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से हमें बहुत सारा कवरेज दिया। इतना कवरेज था कि तन्वी मुझे कहती है अभी इतना कवरेज हो गया, मुझे लगता है 2 घंटे की फिल्म बन सकती है, मतलब इतना सारा भी और नहीं चाहिए। मतलब आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, तो आई थिंक दैट्स बीन अ ब्लेसिंग। सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज एंड द टाइम आई फील वाज अनदर वेरी बिग चैलेंज, कि ये 2 हफ्ते के अंदर फिल्म पूरा शूट करने से बनाना और उसका पोस्ट प्रोडक्शन करके उसको और बहुत खूबसूरती के साथ, एंड इट वाज वेरी नाइस ऑफ देम टू टेक इट अप एंड टेक देयर डिसीजन इन 1 डे इटसेल्फ। उन्होंने एक दिन के अंदर अपना डिसीजन लेके और चीज़ें इतना स्मूथली, सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज कॉल्ड माता की कृपा।
कि कैसे चीज़ें इतने कम समय में भी जुड़ती गई, होते गई, लोग हमें हेल्प करते गए, एंड देर वॉज हेल्प कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, सो विच वॉज वेरी नाइस. एंड लाइक यू नो, दिस इज एक्चुअली आई थिंक वो जो सोलफुल जर्नी और हम नवरात्रि के ऊपर कर रहे हैं, तो वो हर तरफ से वो कृपा बरसते गई, जिसके लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं. यस, एंड मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि नवरात्रि में यू नो, जब मैंने कदम रखा तो ऑफकोर्स पहली बार तो वो अट्रैक्शन था यूरोप ट्रिप जब जीती मैं, लेकिन 2011 में मैंने बेस्ट डांसर टाइटल इन अमेरिका जीता, तो तभी मुझे बहुत खुशी हुई, एहसास हुआ कि ये तो यूनिवर्सल है, और जहाँ भी अगर आप दिल